हेलो दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस, आज आपके लिए एक हैक लेके आ चुका हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कई बार आपकी कार पे या बाइक पे या फिर स्कूटर में कहीं पे क्रोम पार्ट होता है तो उसमें रस्टिंग लग जाती है, तो वो कैसे हटाना है वो मैं आपको आज अपनी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको चाहिए ये चार चीज़ें, एक कपड़ा, एक ब्रश, एक कंटेनर और ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये है क्रोम पाउडर। इसे आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी ऑटोमोबाइल के शॉप से जहाँ पे पार्ट्स वगैरह मिलते हो उनसे बोलो कि मुझे क्रोम पाउडर चाहिए तो आपको वो दे देंगे। ये मैंने 20 रुपये का परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है। कई जगह कंपनी के भी मिल जाते हैं, जैसे 5-10 रुपये का पैकेट मिल जाता है, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसको यूज़ करना है। इसको डाल लीजिए आप कुछ क्वान्टिटी में, इतना बहुत रहेगा। इसके बाद इसमें करना है थोड़ा सा पानी ऐड। मैं पानी लाता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ। इसमें मैंने कर दिया पानी ऐड करीब एक ढक्कन, या मतलब 30-40 ml के आसपास। फिर इसको अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए इसका, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में हो जाएगा। और अगर आप इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर रख रहे हैं तो जब दूसरी बार अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे स्टर ज़रूर करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। तो इसे आप लेके चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का क्रोम पार्ट है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको सारी डस्टिंग सी नज़र आ रही होगी। तो ये पूरे में हम अप्लाई करने वाले हैं, इस पर भी कर देंगे। तो इसको दोबारा से खोल लो, नीचे बैठ जाता है क्योंकि ये इसको कुछ इस तरह से अपने अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा सा रब कर दो, देख रहे हैं ऑलरेडी छूटने लगा है इस पे से रस्ट क्रोम पे से। थोड़ा सा और हम लेंगे, ये वीडियो बिल्कुल अनकट बना रहा हूँ मैं ताकि आपको लगे बीच के प्रोसेस में मैंने कुछ और यूज नहीं किया। इसको अच्छे से ऐसी 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, तब तक मैं इस वाले पार्ट पे लगा देता हूँ। देख लीजिए, इसको छोड़ देते हैं अभी एक मिनट के लिए, तब तक मैं कपड़ा ले आता हूँ, उधर रख दिया था मैंने मेरा कपड़ा। तो देखिए एकदम से आपके सामने जादू होने वाला है, ये देखिए। हल्का सा रब करते हुए साफ कर दो, थोड़े ये देखिए दोस्तों, शाइन देख रहे हो, ये देखो कहीं पे भी रेस्टिंग नहीं दिख रही। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा एकदम नए जैसा हो गया भाई ये। इसको भी साफ कर देते हैं, देखो शाइन देखो भाई, नया पार्ट है ये तो। ये देखो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं।
तो आपके प्रूफ के लिए मैंने अपनी बाइक पे भी ये क्रोम्स जितने भी पार्ट थे ये सब मैंने क्लीन करे उसी तरह। ये देखिए शाइन, देखिए आप बिल्कुल नए जैसा। देखिए सारे ही क्रोम पार्ट मैंने दोबारा से क्लीन कर दिया उससे, पाउडर से। देखिए बेंड पाइप देखिए कितना साफ एकदम क्लीन। देखिए जितना भी क्रोम था मैंने सब पे अप्लाई किया वो उसी तरह। गाइज ये था आज का हैक अपना। अगर पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।